देख रहे हैं आप, मस्जिद को तामीर किया है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने, और इस मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 2 बार नमाज अदा की है, ज़ोहर की और असर की। और इस मस्जिद की खासियत है वहाँ पे तकबीर दी जाती है नमाज खड़े होने के लिए। वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ उस जगह को, आप जाके जब सूंघेंगे तो उस जगह पे आपको खुशबू आज भी नज़र आएगी, आज भी आपको महसूस होगी कि वहाँ से खुशबू आ रही है। ये मैंने खुद अभी देखा है, मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है, मेरा खुद का तजुर्बा है। मैं अभी खुद गया हूँ अंदर जाके, मैं किसी की कही हुई बात नहीं, इस मस्जिद में मौजूद हूँ अभी मैं, और इस मस्जिद में अंदर जाके मैंने खुद सूंघा है, वहाँ से अभी भी खुशबू आ रही है मेंबर से। यकीन मानिए अभी भी ताजा खुशबू वहाँ से आ रही है, ऐसा लगता है जैसे अभी किसी कोई इत्र वगैरह कुछ वहाँ पर छूटा है, शुरू फूलों की महक एक जबरदस्त पहुँची है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह सुभान अल्लाह, अभी मैंने यहाँ से दोबारा सुना है, एक रूहानी खुशबू, एक सुहानी खुशबू यहाँ से आ रही है, जबरदस्त खुशबू आ रही है, फूलों की महक एक तरीके से। आपको मस्जिद का दीदार करा दें, वो मस्जिद का दीदार कराते हैं आपको, ये मस्जिद का दीदार है, ये सब अंदरूनी हिस्सा, ये कॉलम खड़ा है एक, मुसल्ला बिछाया जहाँ नमाज अदा की जाती है। ये गुंबद है बहुत पुराना, आइए अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये मस्जिद तैफ में मौजूद है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने इसको तामीर किया, काफ़ी पुरानी मस्जिद है, देख सकते हैं आप कितना पुराना इसका स्ट्रक्चर है। तैफ का नज़ारा मस्जिद से, हम एकदम ऊपर की तरफ आ चुके हैं, काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पे, एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ देखिए रोड चल रहा है। और ये रहा गुंबद, इसको कुछ डेट वगैरह भी लिखी है शायद, अरबी में कुछ लिखा है।